Hey guys, welcome back to my channel Foodology by Sweta. Today we are going to make Kathal Biryani. This recipe replicates the strong, rich and delicious flavor of an authentic mutton biryani in a vegetarian avatar. This is a perfect party recipe. Do try out in this Holi festival. So without further delay, let's start. एक बोल में कटहल के टुकड़ों को लें, उसमें सॉल्ट, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, बेसन को डालें और अच्छी तरह मिला लें। तवा को गर्म करें, ऑयल डालें और कटहल को शैलो फ्राई कर लें। एक पॉट लें, उसमें पानी गर्म करें, पानी में इलायची, दालचीनी, ग्रीन चिली, सॉल्ट डालें और अच्छी तरह मिला लें। अब सोक राइस डालें, कुछ मिनट तक बॉईल करें, फिर सारे स्पाइसेस को निकाल लें। जब राइस 3/4 कुक्ड हो जाए, तो सारे पानी को ड्रेन आउट कर लें। एक पैन में ऑयल गर्म करें और अनियन को डालें। इन ब्राउन हो जाए तो उसे निकाल लें। बचे हुए ऑयल को भी निकाल लें। तेल में फ्राइड अनियन को डालें। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें और अच्छी तरह मिला लें। अब हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा पानी डालें और मिक्स कर लें। थोड़ी देर कुक कर लें, फिर कर्ड डालें। लगातार चलाते रहें। चिली, इलायची पाउडर और पुदीना डालें और अच्छी तरह मिला लें। कटहल डालें, उसे अच्छी तरह मिक्स करें और लिड से बंद कर दें। इसे 8 मिनट तक कुक करें, फिर लिड को ओपन करें। एक पॉट लें, जिसमें कटहल के मिक्सचर को स्प्रेड कर लें। अब राइस को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। पुदीना और ग्रीन चिली डालें। वापस से कटहल के मसाले को स्प्रेड कर लें। राइस डालें, सैफ्रन वाटर, ग्रीन चिलीज, पुदीना और अनियन डालें। थोड़ा पानी और घी डालें। एक डो लें और पूरे वेसल को सील कर दें। हाई हीट पर 1 मिनट तक उसे कुक करें, फिर फ्लेम को लो करके 8 से 10 मिनट तक उसे कुक करें। लिड को ओपन करें। बिरयानी अब रेडी हो गया है। इसे गर्मा गर्म रायते के साथ सर्व करें।